Hello guys, welcome to my channel. The storyline of today's video is not a prank, it's not a vlog. It is really a heartbreaking moment for me. कोई भी होता तो चलता है यार, पर तू क्यों यार, तू क्यों? यकीनन आप सबको समझ नहीं आती होगी कि भाई हो क्या रहा है, ये क्या कह रहा है, इस वीडियो का मकसद क्या है। चले इसको शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने ओलेक्स पैड लगाया था एक्सबॉक्स 360 के लिए, मैं सेल करना चाह रहा था। मुझे पहला मैसेज आया कस्टमर का और मैंने उसका नंबर देख लिया था, ये किस कौन है, किसका नंबर है। खैर मैंने जानबूझ कर उसको इतना खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन जब उसके रिप्लाई कम आने लगे तो मैंने उसे कहा कि भाई अब लेना चाहते हो तो बताओ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। कहते हैं हाँ मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन गर्मी बहुत है तो मैं आ नहीं रहा, मुझे लेने के लिए फरुखाबाद से आना पड़ेगा, तो आप आ जाओ। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं आ जाता हूँ, अब मुझे अपना एड्रेस सेंड करो। उसने नहीं सेंड किया, मैंने नाम उससे उसका ले लिया उसके सामने, तो वो पूछे कौन। अब नंबर खोल के दिखाता हूँ भाई, एक बार नंबर तो चेंज कर लेते हैं, नंबर नहीं था लगाना। अब आपको पता ही कौन है। बाबूराव गणपतराव आपते जी बिल्कुल, ये है मेरा दोस्त बाबूराव गणपतराव आपते। भाई कोशिश अच्छी थी, इसको बुरा नहीं कहेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद कोई नीचा दिखाना नहीं है कि तुमने क्या किया। भाई मेरे आइडियाज़ मेरे पे एहतियात करो यार, कोई और तरीका निकालो। वो कहते हैं ना, सप नु सप लड़े तो जहर किन्नू चढ़े। मुझे क्या फ़र्क पड़ना है इससे, मेरा आइडिया यार, मेरा आइडिया है। मेरे पे अप्लाई कर रहे हो और मुझे ही पता नहीं चलेगा, ये कैसे हो सकता है? वो किसी ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।